तो यहाँ हम इसलिए आए, ये तो राष्ट्रपति भवन ही है, भवन है, यहाँ पर सब कोई आएंगे और यहाँ हम अपने को सौभाग्यवान मानते हैं, इसलिए कि जैसे परमजीत सिंह जी आए जो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उसके बाद वो अंजलि एला मेनन जी आई हैं, वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन लोगों से परिचय होगा, और यंग जो आर्टिस्ट हैं हम जो जानते हैं तो उन सबको इससे परिचय होगा। ये तो पहला नंबर है जो परिचय होता है, और एक साथ काम करने से तो है क्या, तो सबको इसे सबको का काम हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा घर था, वो जन्म स्थान था, तभी पूर्व बंगाल था, तब डिवीज़न इंडिया डिवीज़न नहीं हुआ था। इंडिया डिवीज़न जब हो गया, भाग हुआ, तो एक ईस्ट पाकिस्तान बना और वेस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान में हम लोग का घर चला गया, उस समय बहुत मुश्किल हुआ, वहाँ पर पढ़ते थे, मगर 1950 में हम लोग घर छोड़ कर चलाना पड़ा। तो हमारा वहाँ जो जन्म स्थान था वो एकदम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में था, तो उसके साथ मेरा बहुत बचपन का संपर्क था नदी के साथ। हाँ, और पूर्व बंगाल जो है बहुत ग्रीनरी है और मार्शी लैंड, नदी बहुत है, बहुत पानी, हरियाला ज़्यादा है उधर, मिट्टी बहुत नरम होता है उधर का। तो वो हम तो भूल नहीं सकते। हम समझते हैं कि मेरा एक अतीत है, अतीत अगर सोचे तो यहाँ भारतीय चित्रकला बहुत उच्च स्थान है, इसको हम लोग समझ नहीं सके, अपना चीज़ को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। जब तक कोई विदेशी आकर नहीं बोलता है ये चीज़ अच्छा है, तब तक हम उसको अच्छा बोलते नहीं। तो हालत था हमारा, तो यहाँ का जो देखिए मंदिर वगैरह में जो मूर्ति है, स्कल्पचर है, और अजंता में जो पेंटिंग है उसका उच्च मान का पेंटिंग खूब कमी होता है। तो उसको अतीत को देखना, वर्तमान में आना और तब जाके भविष्य में कल्पना करना, तो ये दोनों चीज़ मिलाकर पेंटिंग होता है। सब जीवन कुछ लिखिए, पेंटिंग करिए तो होता है। तो अपने को अपना जानना चाहिए। तो मैं बोलूँगा सबको को, ये भारतीय चित्रकला जो उसका जो चिंतन था, वो लोग जैसे सोचते थे वो ज़रा जाने, उसके बाद पश्चिमी जो यूरोपियन पेंटिंग का चिंताधारा में आए, ऐसा करें, तब जाके अपना उसमें परिचय रहेगा, नहीं तो परिचय रहता नहीं, विशुद्ध परिचय होता है। वो कलकत्ता में क्या किया, वहाँ जो मूर्ति था विदेश के टाइम में, जो बहुत अच्छा अच्छा मूर्ति था सब, जब वो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट हुआ तो सब मूर्ति को निकाल दिया, निकाल कर दम करके फेंक दिया, तो बहुत बुरा किया वो लोग। आर्टिस्ट को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए उसको, अच्छा ठीक है यहाँ पर नहीं लगाओ तो उसको जगह दो, जगह दो। हाँ, मैं तो कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट में पढ़ा, वहाँ तो एकेडमी ब्रिटिश एकेडमी का पद्धति से सिखाया जाता था वहाँ। तो मैंने पास करने के बाद मेरा, मैंने उस समय पर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है ना, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, अजंता पेंटिंग बहुत हमने कॉपी किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अजंता कॉलेज से पास करने के बाद 1956 से पास किया और 57 में हमको अजंता में नौकरी मिला। हाँ, ऐसा मैं सौभाग्यवान मालूम होता है, मुझे ऐसा मालूम होता है। और अजंता में 6 साल था, तो अजंता में बहुत कुछ सीखा जो मुझे अभी जो हम पेंटिंग करते हैं उसका अजंता का अवदान है, अवदान समझें क्या, उसका कंट्रीब्यूशन है, नकल नहीं, उसका उससे इंस्पायर जो हुआ, वहाँ से सीखा, कुछ सीखा, जो सीखा वो अपरेंटिंग दिखाई नहीं देगा क्या सीखा। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध चित्रकार गणेश हलोई जी आए हैं और उन्हीं का जो चित्र है बहुत ही कंटेम्पररी स्टाइल का है, एक अलग चित्रकार जिन्होंने अपने चित्र में
जैसे मानवीय आकार के सिवा भी चित्र बनता है, गणेश हलोई जी का वो अपना स्टाइल है, बहुत चित्र देखते बनते। मैं उनके घर में गया था मिलने के लिए कि सर आपको राष्ट्रपति भवन में आना है। उन्होंने कारण ये बताया कि मैं आ पाऊंगा या नहीं पता नहीं, उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन कैंप में वो गणेश दा आए, उनका मार्गदर्शन मिला। और डॉक्यूमेंट्री होना, किताब की डॉक्यूमेंट्री होना देश के लिए कितना जरूरी है, कि आर्टिस्ट के काम की डॉक्यूमेंट्री होना, इसका महत्व मुझे वो बताते हैं। अपने स्टाइल के एक मशहूर चित्रकार, लेकिन कला को संग्रहित करने के लिए, कला का इतिहास हमेशा रहने के लिए जो महत्वपूर्ण अंग एक्सप्लेन करते थे, बताते थे, एक मार्गदर्शक के रूप में आज है। बुजुर्ग कलाकार क्यों बुजुर्ग होता है वो विचार सुनने के बाद लगता है। कला के साथ साथ उनके अपने एक विचार की परंपरा, एक गुरु शिष्य को किस तरह से गाइड करता है, गणेश दा का मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत श्रेष्ठ योगदान है हमारे कला जीवन में, और उनकी कलाकृति भी राष्ट्रपति भवन में लगने वाली है। अभी अगर शिव जी का तांडव नृत्य डमरू लेकर ऐसे जो है, वो सब एक स्कल्पचर है दुनिया में, कहीं नहीं होगा, क्या बैलेंस, नटराज नाच रहे हैं जो, कॉस्मिक डांस, बाप रे बाप, गजब। तो उसका क्या बैलेंस, एक पैर में तो खड़ा होकर नाच रहे हैं, बिल्कुल तो सोचना चाहिए ना, सीखने नई पीढ़ी को सीखना। तो आपका बेसिकली जो मतलब इंडियन आर्ट से भी बहुत हो रहा है मेनली। मैंने तो सीखा, मैंने बचपन से, मैंने वो कभी हम विदेश जाने के कभी दिल नहीं किया, हम गया बाद में जब हमको बुलाया तो गया, नहीं तो हम ऐसे कभी कोशिश ही नहीं किया विदेश जाने के लिए। हमारे यहाँ बहुत गणेश पायन, विकास भट्टाचार्य, जो जो हमारा कंटेम्पररी थे, वो लोग कोई विदेश गया नहीं। अच्छा। नहीं, देश से इतना विदेश गया नहीं, बुलाया तो बहुत लोगों ने, गया बुलाया तो बाद में गया, मगर उस समय में होता है कॉलेज पास करने के बाद, वो विदेश जाओ लिखो, हम विदेश गया था, हाँ उसको लिखो, क्या बोलते हैं, बायोडाटा में लिखना चाहिए, हाँ, लिखना चाहिए है। नहीं, अच्छा है। लेकिन मतलब युवा लोग उतना अब ध्यान नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, देना चाहिए, डेप्थ आने के लिए तो देना ही चाहिए। नहीं होता क्या, अपना नहीं बनता है वो, आधुनिक तो होगा, सब कुछ आधुनिक हो रहा है, बदलता है। अगर समझ लीजिए अजंता का पीरियड शुरू हुआ, पेंटिंग शुरू हुआ सेकेंड सेंचुरी बीसी, हाँ सेकेंड सेंचुरी बीसी, खत्म हुआ करीब अगर फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी में, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में जो पेंटिंग बना था, फिफ्थ सेंचुरी में आकर नहीं रहा, वो बदल गया। बदला कि नहीं, वो बदला तो मतलब आधुनिक हुआ कि नहीं, तो ऐसे होता ही है, आपसे ही बदलेगा। आपका, आप जब बचपन में थे तो एक चेहरा था, अभी एक चेहरा बना, और कई चेहरे और दिन जाएगा तो और चेहरा बदलेगा, तो रहेंगे तो आप ही, बिल्कुल, तब चेहरा बदलेगा मगर रहेंगे आप ही। आर्टवर्क का भी वही रहना चाहिए, वही अपना है, लेकिन अपना शुरुआती आर्टवर्क आपको ध्यान रखना चाहिए, इतिहास भी ध्यान रखना चाहिए, वही अपना होता है। जैसे हम माँ का कोल में बच्चे जैसे थे, फूल जैसे, अभी मैं वैसा नहीं हूँ, मेरा बचपन गया, मेरा जब किशोर था, किशोर समय गया, युवक था तब वो गया, अभी पहुड़ हो गया, वृद्ध हो गया, तो वही है, मगर मैं वैसा नहीं हूँ, मगर उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, लिंक है।